अब पृथ्वी पर आए हैं, कुछ न कुछ तो होगा ही। ऐसा तो है नहीं कि सब दूध के धुले हैं। दूध भी दूध का धुला नहीं है, उसमें भी पानी धुलना पड़ता है थोड़ा बहुत, आप जानते हैं सब। बिना जल के तो दूध भी गर्म नहीं होता। तो पृथ्वी पे आए हैं, भगवान पाप से बुरा नहीं मानते, क्षमा कर दे चलो, लेकिन कब? जब शरण में चला जाए जीव तब। तो भगवान को सबसे बुरा क्या लगता है? सबसे ज्यादा बुरा लगता है अभिमान। भगवान अभिमान जब देखते हैं तो चिढ़ जाते हैं। अभिमान जैसे ही जीव में आता है, विनम्र के ऊपर भगवान की दया रहती है, दीन के ऊपर भगवान की दया रहती है, और अहम जिसमें आ जाए, अहंकार जिसमें आ जाए, भगवान उसका परित्याग कर देते हैं। फिर उसे अच्छा रहने भी नहीं देते। जिस वस्तु का अभिमान उस प्राणी को होता है, भगवान उस वस्तु को उसे छीन लेते हैं। तो इसलिए अगर आपको हमारी बात अच्छी लगे तो जो भी आपको प्राप्त है, दीनता और विनम्रता के साथ उसे स्वीकार करें। और जो भी आप भजन भी अगर आपको प्राप्त है, देवी माँ के आप नवरात्र रह रहे हो, इसी बात को डिडोरा पीटते रहो, आज छठा दिन है, देखा हम रह गए छह दिन, अब इसमें अभिमान की क्या बात है? जगदम्बा ने कृपा कर दी, तुम उसके पात्र समझ लिए, तुमको नवरात्रि का व्रत उन्होंने करा दिया, तो इट्स नॉट बिग डील, तुम्हारी तरफ से नहीं है। तुम देवी भागवत सुन रहे हो, ये तुमने निश्चय नहीं किया। मैं देवी भागवत कह रहा हूं, ये मेरा निश्चय नहीं है, ये मेरा निर्णय नहीं है। हमने दो दिन पहले तक तो कोई भावना ही नहीं थी, ये लोग अपना अलग अलग अनुष्ठान लेके बैठे होंगे कहीं, तुमने साई ली थी कहीं की? नहीं, नहीं थी। हाँ ठीक, तुम पे थी कोई साई? रात की होंगी जागरण की, नहीं है, बंद है वो तो, अभी यहीं मिल गए। आजकल तो जागरण वागरण सब बंद है। हाँ बढ़िया है, बंद इस बंद है इसलिए नहीं कह रहा हूँ, बढ़िया है, कंडीशन ऐसी है इस समय इसलिए कह रहा हूँ, नहीं तो बहुत मुश्किल चल रहा है, पूछो नहीं।